श्रम मंत्री के विधानसभा के गांव बेरखेड़ में स्वास्थ्य सेवा के समय पर न मिलने के चलते चार नवजातों की मौत हो गई। के बाद भी प्रसूता को जिला अस्पताल में पलंग तक नहीं मिल सका। जानकारी के मुताबिक बेरखेड़ी निवासी रीना आदिवासी को प्रसव पीड़ा हुई थी, जिसके बाद जननी वाहन को बुलाया गया, पर जननी वाहन के आने से पूर्व ही रीना ने दो बच्चियों को जन्म दिया, जिनके जन्म उपरांत ही मौत हो गई। इसके बाद रीना को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने दो बच्चों को और जन्म दिया, जिनकी भी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार रीना का पहला प्रसव था। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि समय रहते अगर रीना को इलाज मुहैया हो जाता तो यह हादसा नहीं होता। इतना सब होने के बाद भी रीना को पलंग तक नहीं मिल सका। जिला अस्पताल की इन व्यवस्थाओं पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं, फिर भी यहाँ के हालात बदलने का नाम नहीं लेते। कितने बच्चे हुए आपको? तो चार हॉस्पिटल में हुए कि कहाँ पे हुए? एक बता, घर का होगा तो तीन यहाँ से। अच्छा, तीन यहाँ पे होगा। कितने की डेट हो गई इसमें? कितने की मृत्यु हो गई इसमें? आठ नौ का हुई। चारों की हुई? चारों की मृत्यु हो गई। तो जननी लेने गई थी, जननी गाड़ी गई थी ना लेने। तो रास्ते में कितने लोग, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई थी? तीन ही हुए। कितने कितने लड़के लड़की थे? दो, चार, दो लड़की दो लड़का। डॉक्टर वगैरह ने उनको देखा था? आपकी बहू को डॉक्टरों ने देखा था? ये गाड़ी वाले ने देखा तो क्या है ना, जहाँ पे आके इलाज किया था कि नहीं किया? यहाँ इलाज किया था कि नहीं किया? बहू के नहीं किया।